Guys, let me ask you a question. Are you also dealing with something called workaholic dilemma or a busy syndrome? So let me share this video to my workaholic friends. When I started my business, I used to start my day at 7:30 in the morning and I used to finish by 8 o'clock. And even after that, I used to work on my emails. Because mujhe tha ki agar mera factory 9 baje shuru hoti hai, to mujhe usse pehle staff mein pahunchna hai kyunki 1.5 ghante ka run tha. एंड अगर 6 o'clock स्टाफ बस जाती है तो आई हैव टू लीव बाई 6:30. सो इट वॉज अ स्ट्रेच वर्किंग आवर्स. ऊपर से मेरे लंचेस 4-5 बजे होते थे और उसके बाद भी मैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग करता था और मेरे संडेज वाले दिन भी वर्किंग होते थे. एंड उस समय मेरी शादी हो गई थी बट मैंने फैमिली से ऑलरेडी बोल दिया था कि 3-4 साल मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा लिए बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे है एंड आई हैव नो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे ये लगा था कि यार अगर मैं इतना काम करूँगा तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी उस हिसाब से काम करेंगे, तो मुझे ये फीलिंग थी. एंड इनफैक्ट अगर मुझे कोई रात को 2 बजे मेल कर देता था तो मैं 2:30 रिप्लाई करता था एंड मेरा फ़ोन 24/7 ऑन होता था. मेरे पास 3 फ़ोन पड़े होते थे, कभी कोई बज रहा है कभी कोई बज रहा है. इट वॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एनजाइटी. तो इनिशियली 3-4 साल के बाद मुझे लगा कि आई हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस. इट वॉज एक्चुअली अ बर्डन फॉर मी for my family and even my employees also, because mujhe lagta tha ki everybody cannot adapt it. Slowly and gradually today mujhe samajh mein aata hai, today also I work 12 to 14 hours, but it is more of my family time, my business time for myself. So aaj main 12-14 ghante kuch na kuch karta rehta hu, but at least mujhe samajh mein aata hai ki agar aap 8 ghante effectively apna business kar rahe ho na, you will be more productive rather than working for 14 hours crazily in your business, because quality is much more important than quantity. Being a workaholic guy, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, but at what cost? At the expense of your health, your family, your happiness, your productivity. तो focus क्या है? तो rather than putting 14 hours in your work like donkeys, can you work 8 hours smartly and be more efficient? This is what I believe now. मुझे लगता है अगर मेरा स्टाफ भी अगर 8 घंटे ढंग से काम कर लेना, आई एम मोर देन हैप्पी रादर देन स्ट्रेचिंग फॉर 14 आवर्स. बिकॉज इट इज बिकॉज आफ्टर सम टाइम्स ना योर प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन फॉर श्योर. सो आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि अगर आप अपना लाइफ बैलेंस को देखना, हाउ मेनी आवर्स यू वर्किंग, कितने घंटे आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं. अगर 8 घंटे आप प्रोडक्टिवली निकाल पा रहे हैं ना, इट इज़ गुड इनफ. रादर देन स्ट्रेचिंग फॉर अननेसेसरी फॉर 14 आवर्स, इट विल नॉट हेल्प. एंड अगर आप बहुत काम हैं, आप कंपोज हैं, आप पेशेंट हैं, एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, यू विल बी मोर हैप्पियर, इट यू विल ब्रिंग अ मोर बेटर एनवायरनमेंट इन योर फैमिली, इन योर लाइफ, इन योर वर्क. सो थिंक अबाउट इट एंड हैव अ हैप्पी डे, हैप्पी ईयर, हैप्पी बिजनेस.